हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक और एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने जा रहा हूं। इस स्ट्रक्चर का नाम है नथिंग बट। जी हाँ दोस्तों, ये नथिंग बट होता क्या है, क्या है ये नथिंग बट? गाइस, एक सिचुएशन देता हूं मैं। मान लीजिए कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, कठिनाई ही कठिनाई है। उसके लाइफ को देखो, उसके लाइफ में तो खुशियां ही खुशियां हैं। सो गाइस, इस तरह का कोई सेंटेंस हो कि इस कमरे में टेंशन ही टेंशन है, यहाँ पानी ही पानी है, तो इस तरीके से अगर कुछ बोलना हो दोस्तों, तो हम यहाँ पर नथिंग बट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा और सेंटेंस क्या है। गाइस, एक सेंटेंस है कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां है, यानी कि खुशियों के अलावा और कुछ भी नहीं है उसके लाइफ में, जहां देखो वहां खुशियां ही खुशियां है। तो हम यहां पर दोस्तों सबसे पहले देयर से सेंटेंस को उठाएंगे। अब अगर ये देयर क्यों है ये समझ में ना आए तो देयर का मैं एक चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा दोस्तों। इस देयर का मतलब कोई वहां नहीं है, ये एक इंट्रोडक्टरी देयर है जो सपोर्ट करने के लिए लगता है। जैसे कि एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम। इस कमरे में एक पंखा है, देयर इज अ फैन इन दिस रूम। तो इस देयर का मतलब कोई वहां नहीं है, किसी दिन मैं जरूर पढ़ाऊंगा। सो गाइस, आपको देयर लगाना है सेंटेंस की शुरुआत। देखना है कि प्रेजेंट में अगर बात हो रही है तो हम इज लगाएंगे, देयर इज। अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यार उसके लाइफ में तो पहले खुशियां ही खुशियां थी पास्ट के बारे में, तो हम देयर वॉज करेंगे। ये बोलने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, आपको बोलना है नथिंग बट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसे? इस नथिंग बट का क्या मतलब है? यहां पर ये जो बट है दोस्तों, ये बट का मतलब कोई लेकिन, परंतु, किंतु नहीं है। इस बट का मतलब है सिवाय, यानी कि एक्सेप्ट, हिंदी में बोलते हैं ना, यानी कि खुशियों के अलावा, खुशियों के सिवाय और उसकी जीवन में कुछ भी नहीं है। तो यहां पर ये बट एक एक्सेप्ट की फीलिंग देता है कि एक्सेप्ट हैप्पीनेस, यानी कि खुशियों के अलावा। तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में काफी यूज होता है, तो मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखते हैं कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां है, तो पहले हम देयर से उठाएंगे। तो सेंटेंस होगा देयर, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो देयर के बाद इज लगाइए, देयर इज नथिंग बट। नथिंग बट क्या है? खुशियां, यानी कि हैप्पीनेस। यहां पर जो शब्द होगा उसे लिख दीजिए आप। तो ये हो गया हैप्पीनेस। सो देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस उसके जीवन में। तो यहां पर आपको लिखना होगा इन, अगर वो फीमेल है तो हर लगा दीजिए, इन हर लाइफ। मेल है तो हिस लगा दीजिए। सो पूरा सेंटेंस है देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ। अगर अपने बारे में कोई बोल रहा है कि मेरे जीवन में तो बस दुख ही दुख है, यानी कि सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है मेरे लाइफ में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बट अनहैप्पीनेस इन माय लाइफ। अगर आपने कहीं पर देखा कि वहां पर सिर्फ मड ही मड है, कीचड़ ही कीचड़ है, तो आप कह सकते कि यहां तो भाई कीचड़ ही कीचड़ है, देयर इज नथिंग बट मड हेयर। इस तरीके से गाइस आप बोल सकते हैं। और कोई सेंटेंस सोचिए, यहां पानी ही पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर हेयर। यहां तो भैया प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग बट प्रॉब्लम्स हेयर। तो गाइस, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस सोचिए। आप याद रखिए कि आपको सेंटेंस को देयर से उठाना है कि देयर इज नथिंग बट ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से अगर पास्ट में होता कि वहां तो भाई पानी ही पानी था, देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। इस देयर का मतलब है वहां, दो बार देयर लगा दोस्तों, कि देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। तो गाइस, ये तो था कि देयर से आप इस्तेमाल करते हैं। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर यह है दोस्तों कि अगर आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि उसने तो मुझे बस बिस्किट से बिस्किट दिया, यानी कि बिस्किट के अलावा तो कुछ दिया ही नहीं, तो आप पूरा एक सेंटेंस भी उठा सकते हैं। कैसे? आप सब्जेक्ट से शुरुआत कीजिए, ओके? उसके बाद देखिए कि अगर वहां कोई हेल्पिंग वर्ब है किसी टेंस में, तो आप वो हेल्पिंग वर्ब लगाइए।
अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, तो आप डायरेक्ट वर्ब लगाइए जिस भी फॉर्म में हो। अगर मुझे बोलना है कि उसने मुझे सिर्फ बिस्किट्स ही दिए, बिस्किट्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, तो दिए मतलब ही पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही, कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगता नहीं पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में, तो सीधा सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, गिव का क्या हो जाएगा, गेव। तो आप कह सकते हैं कि ही गेव मी नथिंग बट बिस्किट्स, समझ रहे दोस्तों, यानी कि उसने बिस्किट के अलावा और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही कि तुमने मुझे टेंशन के अलावा और कुछ दिया नहीं है, तो बोल सकता है कि यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन। सो बहुत ही प्यारा ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। आप अपने आम जिंदगी में जो सेंटेंसेस आप यूज करते हैं उस पर बैठा करके देखिए और ट्रांसलेट कीजिए, बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल देखते हैं, और उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया, यानी कि उसने सिर्फ मेरे साथ बहस ही किया, आर्ग्यू ही किया और कुछ नहीं किया, तो हम कैसे बोलेंगे, उसने यानी कि अगर मेल है तो ही किया, डू मतलब करना, डू का सेकेंड फॉर्म डिड, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम यहां पर बोलेंगे ही डिड, अब लगाइए नथिंग, ही डिड नथिंग बट, उसके बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अगर कोई वर्ब आता है और कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू, आर्ग्यू मतलब बहस करना। यानी कि अगर इस तरह के सेंटेंस में आप आएंगे कि फलाने ने इसके अलावा और कुछ नहीं किया, उसने मुझे दुख ही दुख दिए, इस तरह का अगर सेंटेंस हो, तो आप सब्जेक्ट मतलब जैसा टेंस होगा पहले वैसा आप आइए कि ही गेव मी नथिंग, तो ही यहां सेकेंड फॉर्म गेव मी, उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पहले नथिंग लगाना है, फिर बट लगाना है, उसके बाद फिर देखना है कि उसने और क्या किया आपके साथ। तो वर्ब अगर है तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में दिखाना है दोस्तों, कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं, ये नहीं कि इधर तो सेकंड फॉर्म है तो मैं इधर भी सेकंड लगाऊं, ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, कि आपको बोलना है कि मैंने तो सिर्फ सैलेड ही सैलेड खाए, यानी कि आपने खाना खाया तो आप मैंने खाया तो आई, तो आप यहां सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और मैंने खाए ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी कि आई एट, वर्ब तक है ये, उसके बाद लगाइए नथिंग, I ate nothing सिवाय सैलेड के, but सैलेड, तो यहां पर सैलेड एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं आया, तो जैसा सेंटेंस होगा आप वैसा ही बनाएंगे, अगर वर्ब की जरूरत है तो फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। उसने सिर्फ दूध ही दूध पिया, यानी कि दूध के अलावा और कुछ भी नहीं पिया, जब भी पिया दूध पिया, तो आप सोचिए कौन सा ये टेंस है, उसने पिया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप शुरुआत यहां से करेंगे सब्जेक्ट से, तो ही पिया मतलब कि सेकंड फॉर्म, तो सीधा यहां मेन वर्ब पे आइए ड्रैंक, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही ड्रैंक नथिंग बट मिल्क, यानी कि दूध के अलावा और कुछ नहीं पिया, उसने मुझे एक पेन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया, यानी कि सिर्फ पेन ही दिया, He gave me nothing but a pen, यानी कि पेन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। तुम एक चोर के अलावा और कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक चोर हो और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो, You are nothing but a thief, आप किसी को ऐसे बोल भी सकते हैं कि तुम एक हेडक हो, मेरे लिए सरदर्द हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो, You are nothing but a हेडक फॉर मी। सो गाइस, आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। दो स्ट्रक्चर्स हैं फ्रेंड, एक है कि किसी के लाइफ में या कहीं पर कोई चीज है तो आप देर से उठाएंगे, और या किसी ने कुछ किया तो आप यहाँ डायरेक्ट सब्जेक्ट से उठाएंगे, और बाद में मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, इस पर आप काम करेंगे। तो गाइज आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। Well guys, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो फ्रेंड्स, तो आप इस पर सेंटेंसेस बनाइए, तभी आप एक्सपर्ट हो पाएंगे। और जो लोग मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरीज आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। सो गाइज, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।